गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 8.1. व्हाट इज गिवन इन दिस एक्सरसाइज? फर्स्ट रेशो, देन परसेंटेज. तो हाउ टू फाइंड रेशो? रेशो मैंने आपको बताया था, दो क्वांटिटीज़ को डिवाइड कर दो, रेशो आ जाएगी. अगर दो क्वांटिटीज़ की यूनिट सेम है तो रेशो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आपको रेशो फाइंड करने में. जैसे फर्स्ट गिवन आपका स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर. वी हैव फाइंड द रेशो इजीली. अगर मुझे इनकी रेशो निकालनी है तो आपकी रेशो क्या होगी? 15. देखो ये ध्यान रखना, 15 किलोमीटर टू द 30 किलोमीटर गिवन है, तो ऊपर 15 आएगा, नीचे 30 आएगा. आप इसको रिड्यूस करोगे तो रेशो हो जाएगी आपकी 1:2. नेक्स्ट गिवन आपका 5 मीटर टू 10 किलोमीटर. अब यहाँ यूनिट सेम नहीं है तो प्लीज़ किलोमीटर को किस में चेंज कर लो? मीटर में चेंज कर लो. 1 किलोमीटर होता है आपका 1000 मीटर और आपको गिवन है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर हो जाएगा आपका 10,000 मीटर. बस आपको इतना सा चेंज करना है. तो अगर आप इसकी रेशो फाइंड करोगे तो जो रेशो होगी वो आपकी क्या होगी? 5 मीटर टू 10 किलोमीटर. अब 10 किलोमीटर की जगह आप क्या राइट कर सकते हो? 10,000 मीटर. जब दोनों सेम हो गई, रिड्यूस कर दो. ये रिड्यूस करोगे तो 2,000 आ जाएगा और रेशो होगी 1:2,000. ईजी है. जैसे आपने कन्वर्ट किया, 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होते हैं, 10 किलोमीटर में 10,000 मीटर हो जाएंगे, तो आप यहाँ पे 10,000 राइट कर लो. अब यहाँ गिवन है 50 पैसा, 2 रुपीज़ 5. अब आपको पता है कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं. आपको रुपीज़ 5 गिवन है तो रुपीज़ 5 में आपके हो जाएंगे 500 पैसे. तो कन्वर्ट कर दिया आपने. अब अगर आप इसकी रेशो फाइंड करोगे तो जो रेशो है वो आएगी आपकी 50/500. नोट 500. आप इसको रिड्यूस करोगे तो ये 1:10 आ जाएगा. तो इसका आंसर 1:10. तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस थे ये रेशो के. अब है आपको रेशो गिवन है और रेशो को किस में कन्वर्ट करना है? आपको परसेंटेज में. अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 मैंने आपको बताया था. तो इस कैसे राइट करेंगे आप? रेशो को कैसे राइट करते हो? 3/4. जस्ट आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. अगर हम परसेंटेज गिवन है, अगर गिवन होता है आपका परसेंटेज, तो उसका मतलब होता है पर डिवाइडेड बाय 100. और अगर परसेंटेज आपको निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100. इन दो चीज़ों का ध्यान रखना. आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 3/4 × 100. जब आप इसको रिड्यूस करोगे तो ये 25 आ जाएगा. फिर यहाँ 75%, क्योंकि आपने किस में कन्वर्ट किया है? परसेंटेज में. अब आपको सेकंड रेशो की मैंने आपको 2:3, तो आप इसको क्या राइट करोगे? 2/3 और इनटू में क्या कर दोगे? 100. देखो रिड्यूस नहीं हो रहा, ये 3 है और ये 100 है. कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 200/3. अब अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 3/6 = 18, 3/6 = 66%. देखो डिवाइड करना आता होगा आपको, डेसिमल में चेंज करना. आप 200 को 3 से डिवाइड करो, 18 आया. देन 2, फिर आपने लिया 3/6 = 18 आया. देन 2, अब डेसिमल के बाद आप कितनी भी जीरोज ले सकते हो, तो 60.6%. नहीं भी चेंज करोगे देन भी राइट है, आप यहाँ भी परसेंट लगा दो, क्योंकि अभी आपने कन्वर्ट किया है रेशो को किस में? परसेंटेज में. सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे गिवन है 72% ऑफ 25 आर गुड इन मैथ्स. इसका मतलब आप 72% ऑफ 25 निकाला, कितने आए आपके? 18 स्टूडेंट आए. तो 18 स्टूडेंट गुड इन मैथ्स. तो टोटल स्टूडेंट गिवन आपके 25. दे आर नॉट गुड इन मैथ्स. मैथ्स में अच्छे नहीं हैं उन स्टूडेंट्स का कैसे पता चलेगा? आप 25 में से 18 को माइनस कर दो तो वो 7 स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स में अच्छे नहीं हैं. तो अब आपने सबसे पहले लिखा हुआ था 72% ऑफ 25 आर गुड इन मैथ्स. तो मैंने वो 72% ऑफ 25 निकाल लिया, टोटल 18 आए. तो 18 स्टूडेंट्स अच्छे हैं मैथ्स में, टोटल 25 हैं. तो अच्छे नहीं हैं वो होंगे 25 - 18. तो ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था. एज इट इज़ ए क्वेश्चन नंबर 4 भी गिवन है आपको. दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज़ गिवन दैट ए फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ टोटल. तो मैं टोटल मैचेज मान लेती हूँ, कितने हैं मेरे टोटल मैचेज आपके? एक्स हैं. एक्स मैचेस. इफ़ विन परसेंटेज इज 40, देन फाइंड हाउ मैनी मैचेज डिड दे प्ले.
अब देखो सिंपल सी बात है, हमें ये नहीं पता कि उसने मैच कितने खेले, हमें ये पता है कि जितने मैच खेले उनमें से उन्होंने 10 मैच जीते हैं, दैट इज़ गिवन। टोटल मैच की कितना है वो 40% है, तो आपको 40% ऑफ एक्स, टोटल मैच का 40% गिवन है, वो कितना है आपका 10। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखा, आपने लिखा है कि टोटल मैचेस क्या है एक्स, और ये 40% अगर इसका गिवन है तो 40% ऑफ एक्स वो क्या है आपके जो उन्होंने जीते हैं वो कितने मैचेस हैं आपके 10। अब 40% ऑफ एक्स निकालना इजी है, 40% ऑफ एक्स निकालोगे आप 40 / 100 ऑफ मल्टीप्लाई इंटू एक्स इज इक्वल टू 10। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स की वैल्यू चाहिए तो ये 100 है यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, और 40 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ आके डिवाइड करेगा। बस आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो, आपका ये 10 बन जा, 10 4 जा, और 4 से इसे कट करोगे तो 25 आ जाएगा, तो जो एक्स की वैल्यू वो कितनी आ गई आपकी 25 मैचेज हो गए टोटल। तो 25 मैचेस उन्होंने फुटबॉल टीम ने खेले और उसमें से 10 मैच उन्होंने जीते, तो विनिंग परसेंटेज दे रखी थी हमने, विन परसेंटेज राइट कर दिया, दैट इज इक्वल टू 10 मैचेस, और वहां से एक्स की वैल्यू निकाल दी तो हमारे टोटल आ गए। तो ये आपको चेक करना है कि क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज गिवन दैट इफ द चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी। इसका मतलब एक फर्स्ट लाइन से ये क्लियर है कि हमें ये नहीं गिवन है कि उसके पास कितने पैसे हैं, बट उसके पास कितने पैसे बचे हुए हैं वो गिवन है। कितने पैसे बचे हुए हैं उसके पास, ₹600 बचे हुए हैं, कब, जब वो 75% ऑफ हर मनी क्या करती है वो स्पेंड करती है, मतलब खर्च कर देती है। स्पेंडिंग होता है आपका खर्च करना, अर्निंग होता है कमाना, और सेव होता है बचाना। तो अब यहाँ पे क्या गिवन आपको 75% ऑफ एक्स क्या है, स्पेंडिंग है, और यहाँ पे बचा बचे हुए पैसे लिखे हुए हैं, स्पेंडिंग मनी नहीं लिखा हुआ। तो पहले तो आप सबसे पहले क्लियर है कि मनी नहीं गिवन है तो उसको मान लो, तो आपकी क्या होगा टोटल, लेट टोटल मनी शी हैड, जो भी नाम है चमेली हैड, कितनी है आपकी टोटल मनी, आपने एक्स रुपीज मान लिया। अब एक्स में से एक्स रुपीज 75% वो क्या करती है, खर्च करती है, इसका मतलब 25% उसने बचाया होगा, या तो आप सिंपल कर लो 75% उसने खर्च किया है तो टोटल 100% होता है, 100 में से अगर इसने ये स्पेंडिंग इसका 75% है तो सेविंग कितनी होगी 25%, और 25% आपको क्या दे रखा है 600 लेफ्ट अभी हैं उसके पास पैसे, कितने हैं 600, कब हैं जब वो अपने पैसों का 75% खर्च कर चुकी है, तो उसको उसके पास कितने पैसे हैं 25%। एक तो ये मेथड है, आप इसी को यहीं शॉर्ट कर लो कि 25% ऑफ एक्स इज 600। दूसरा, अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए तो आप ये मानो कि उसके पास टोटल मनी कितनी है एक्स, एक्स में से खर्च किए, स्पेंडिंग मतलब खर्च करना, कितना 75% ऑफ एक्स, अपने पैसे का 75%, तो 75% ऑफ एक्स उसने खर्च कर दिए, टोटल पैसे में से 75% ऑफ एक्स खर्च करने के बाद उसके पास कितने पैसे बचे हुए हैं 600। एक ये मेथड है, इसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, उसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, अगर 75 खर्च कर दिए तो उसके पास बचे हुए कितने हैं 25%, और 25% ऑफ एक्स आपको कितना गिवन है, 25% ऑफ एक्स गिवन है 600। तो यहाँ से आप एक्स की वैल्यू ईजिली निकाल सकते हो। अगर ऐसे नहीं समझ आता तो फिर अपने ट्रेडिशनल मेथड पे चलो, टोटल मनी एक्स है, एक्स में से 75% ऑफ एक्स उसने खर्च किया, खर्च मतलब माइनस होगा, अब यहाँ से निकालो एक्स, अगर मैं यहाँ राइट करूँ 75% मतलब 75/100 इंटू एक्स, आपका 100 एलसीएम आएगा, 100x माइनस 75x इज इक्वल टू 600। 100x में से 75 गई, वही फिर आ गया आपका कितना आ गया 25/100x इज इक्वल टू 600। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी, तो कैसे निकालोगे x की वैल्यू, ये 100 यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ आके डिवाइड, 25 4 जा तो आंसर आया 2400।
आप इससे भी कैलकुलेट करोगे वही आंसर आएगा। आपकी चॉइस है, आप इसको जल्दी समझ पाते हो तो ये कर लो, अगर ये नहीं समझ में आता तो अपने ट्रेडिशनल मेथड पे आ जाओ, इससे कर लो। उसे नेक्स्ट की मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 6, 60% पीपल लाइक क्रिकेट, 30% फुटबॉल। अब आपको सिंपल क्वेश्चन है कि 60% अगर क्रिकेट को लाइक करते हैं, 30% फुटबॉल को, रिमेनिंग क्या रह गया? 10% रह गया, क्योंकि आपको पता है 60 + 30 तो 90% तो ये गेम हो गए दो। अब 10% क्या रह गया आपका? 10% लाइक अदर गेम। देन फर्स्ट लाइन क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट कहते हैं व्हाट परसेंट पीपल लाइक अदर गेम, तो वो सबसे पहले आपने आंसर दे दिया। टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 50 लाख, टोटल नंबर ऑफ पीपल गिवन है 50 लाख, एंड आपको नंबर फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपको जो नंबर ऑफ पीपल हैं दे लाइक क्रिकेट तो कितना हो जाएगा 60% ऑफ 50 लाख, एंड अगर दे कितने पीपल हैं दे लाइक कौन सा है फुटबॉल तो 30% ऑफ 50 लाख। अगर अदर गेम की बात करेंगे तो 10% ऑफ 50 लाख, क्योंकि हमें टोटल गिवन है हाउ मेनी पीपल आर देयर, दे आर 50 लाख पीपल, तो उसका हमें सिर्फ 60, 30 और 10% निकालना है। तो सबसे पहले वो नंबर ऑफ पीपल निकालो जो किसको लाइक करते हैं, क्रिकेट को। नंबर ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट कितने हैं आपके? 60% हैं, तो 60% ऑफ 50 लाख। अब निकालना भी इजी है, 60 upon 100 × 50 lakh। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, 6 5 = 30, तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 लाख। तो 30 लाख तो वो पीपल हैं दे लाइक क्रिकेट। सिमिलरली आप फाइंड करोगे कौन सा फुटबॉल के लिए, नंबर ऑफ पीपल लाइक फुटबॉल तो वो कितने हैं 30%, 30% ऑफ 50 लाख। तो आप ये फाइंड करोगे तो कितना आएगा, 30 / 100 × 50 लाख, तो 2 0 से 0 और ये आएगा आपका 15 3 5 = 15 lakh, तो दूसरी क्वांटिटी ये आ गई। अब अदर गेम, नंबर ऑफ पीपल लाइक अदर गेम्स, तो अदर गेम्स क्या है 10%, तो 10 / 100 × में क्या लिखोगे आप 50 लाख, तो ये भी 2 0 से 2 0 कट गई और ये हो जाएगा आपका 5 लाख। तो आपके टोटल आ गए नंबर ऑफ पीपल दे लाइक क्रिकेट फुटबॉल एंड अदर गेम्स। सो दिस इज़ योर एक्सरसाइज 8.1, आई होप यू विल डू इजीली इन फेयर नोटबुक। हैव अ गुड डे।